भगवान को आते हुए देखकर सब गोपांगना एकदम भगवान के मिलने के लिए समुत्थित हो उठी। उदाहरण वही दिया, जैसे तन्व प्राण में वागतम, जैसे प्राण शरीर से चला गया हो, उस समय शरीर और शरीर के विभिन्न अवयव, विभिन्न इंद्रियां सब की सब मृत प्राय निर्विचेष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार से भगवान के विप्रयोग जन तीव्र ताप में सब गोपांगना प्राण विहीन इंद्रियों के तुल्य, प्राण विहीन देह अवयवों के तुल्य अत्यंत निर्विचेष्ट हो चुकी थी। जैसे अकस्मात फिर प्राण का संचार होए तो सब इंद्रियां एकदम सचेष्ट हो उठती हैं, सभी अवयव एकाएक जिस चेष्टावान हो उठते हैं। उसी प्रकार से भगवान कृष्णचंद्र परमानंद कंद के प्रादुर्भाव मात्र से सब गोपांगना एकदम उत्तस्थुर जुगपत सर्वा तन्व प्राण मिवागतम। जुगपत तत्क्षण एक काला बच्चे दिन सब की सब उठी। तो फिर विभिन्न भाव से विभिन्न गोपांगनाओं ने भगवान का दर्शन किया। किसी ने भगवान के हस्तांबुज को अपने दोनों हाथों में ले लिया, किसी ने भगवान की बाहु को अपने कंधे में रख करके और अपने हृत्ताप का अपनोदन किया, किसी ने भगवान के मंगलमय पादाम्बुज को अपने ओरोज स्थलों में धारण करके हृत्ताप का उपशमन किया, किसी ने भगवान के मंगलमय हस्तांबुज को अपने उर स्थल में धारण किया, इत्यादि इत्यादि रूप से दक्षिण भाव वती वाम्य भाव वती सब प्रकार की गोपांगना भगवान से मिली। दूसरी गोपांगना जो वाम्य भाव वती थी वो भगवान के समीप में तो नहीं गई, लेकिन वो भ्रुकुट बंधन पूर्वक और अपने कटाक्ष स्वरों से भगवान को निरीक्षण करती हुई, अवलोकन करती हुई और अपने हृदय की भावनाओं को पूरा करती हैं। कोई भगवान को निर्निमेश नयनों द्वारा भगवान के मुखचंद्र के माधुर्यामृत का पान कर रही है, कोई अपने नेत्र रंध्रों द्वारा भगवान को हर स्थल में पधरा करके और वही भगवान के श्री अंग का संस्पर्श करती है और आनंदोद्रेक में रोमांच कंटकित होकर आनंद सिंधु में निमज्जन करती है। इस प्रकार से सब गोपांगना जितनी भर भी है, शतकोटि बिस्तर, 100 करोड़ वाली, 100 करोड़ संख्या वाली, 30 करोड़ संख्या किसी के मत में, किसी के करोड़ में 100 करोड़ संख्या, ऐसी गोपांगना, उनमें मुख्य 16 सहस्र, उनमें मुख्य 8, उनमें मुख्य 2, उनमें मुख्य 1, इस प्रकार से इनके सब क्रम बतला चुके हैं। तो वो सब गोपांगना केशव भगवान के दर्शन से सब परमोत्सव हुआ। कर्म कांड पराश्रुति भी, उपासना कांड पराश्रुति भी, ज्ञान कांड पराश्रुति भी, निषेध मुखेन प्रवृत्त श्रुति भी, विधि मुखेन प्रवृत्त श्रुति भी, सब सब केशव से संगत होकर के तत्व समन्वयात की दृष्टि से, केशव से संगत होकर, केशव से समन्वित होकर के सभी प्रमोदित हुई, सभी आनंद समन्वित हुई और जीवों को जो अनादिकाल से भगवत प्रयोग जन तीव्र ताप था उसकी विनिवृत्ति समझ करके
और सब जो श्रुति रूपा गोपांगना भी सबकी सब संतुष्ट हुई, प्रसन्न हुई, ये सब बात का। तो आगे लिखा है, जरा भाई टार्च वार्च दे देना, थोड़ा दो तीन श्लोक कह देंगे आज, जरा समाप्ति है ना, आज ही समाप्त करना। ता समादाय कालिंद्या निर्विश पुलिनम विभु विकसत कुंद मंदार सौरभ्य नील खटपदम। तो भगवान श्याम सुंदर उन सभी गोपांगनाओं को, यानी अब ये हुआ कि वैसे सबके अनेक मत थे, अनेक मत, अनेक भावनाएं, लेकिन भगवत विरह जन्य तीव्र ताप से सबकी शुद्धि हो गई। वैसे तो हम बता ही चुके हैं कि सब परम शुद्ध है, भगवत स्वरूप ही है, तथापि जो लोक दृष्टिया रस की लौकिक मर्यादा का अतिक्रमण बिना किए रसाभिव्यक्ति के सब प्रकार स्वीकृत किए जाते हैं, इस दृष्टि से जो भगवत स्वरूप भूता हैं उनमें भी पूर्व राग का वर्णन, उनमें भी संप्रयोग का वर्णन, उनमें भी विप्रलम्भ का वर्णन होता है। नित्य प्राप्त में भी दुर्लभत्व, वामत्व आदिकों की स्फूर्ति होती है। तो ये सब बात रस विशेष विकास की दृष्टि से ही स्वीकृत होते हैं। तो इस अवसर में स्वाभाविक बात है कि संकट के समय सबके मतभेद दूर हो जाते हैं। जब संकट नहीं है तब सब में अनेक मतभेद होता है, संकट के समय मतभेद सब दूर होता हो जाता है। भगवत विप्रलम्ब से, भगवान के वियोग से सभी संकटापन्न हो गई, सभी संकटापन्न हो गई तो सबका समन्वय हो गया, सबका सामंजस्य हो गया, परस्पर मतभेद दूर हो गए, तभी ता समादाय सबको, नहीं तो एकत्र सबका समूह बनना बहुत कठिन था। 100 करोड़ की संख्या वाली गोपांगना, विविध भाववती गोपांगना, सब की सब एकत्रित हो जाएं, ये बहुत कठिन बात थी। मतभेद शून्य होकर सबके सब प्रकट हो, ये सब बहुत असंभव बात। लेकिन अब असल बात यह है कि भगवान जो है सर्वांतरजामी सर्वशक्तिमान प्रभु, सभी शक्तियों का समन्वय भगवान में होता ही। भगवान सर्वशक्तिमान है, सभी शक्तियां भले परस्पर विरुद्ध भी हो शक्तियां, तथापि सर्वशक्तिमान में तो सब समन्वित होती ही। इसीलिए विरुद्ध धर्माश्रय भगवान को कहते हैं, भगवान विरुद्ध धर्म, सकल विरुद्ध धर्माश्रय हैं, संपूर्ण विरुद्ध धर्मों के आश्रय हैं। इसलिए अशब्द मस्पर्श मरूप मव्यम तथा रसम नित्य मगंध वच्च जत इत्यादि रूप से सर्व गुण गणों से विहीन, अशेष विशेषों से अतीत भी भगवान है, और साथ ही वही सर्वगंध सर्वरस सर्व काम सत्य संकल्प आदि वचनों से सब प्रकार के शक्तियों से समन्वित भी भगवान है। तो इस दृष्टि से अणोरणीयान भी वही है, मातो महियान भी वही है, तो भगवान सकल विरुद्ध धर्मों का आश्रय है, इसलिए विभिन्न प्रकार की शक्तियों का समन्वय भगवान में होता ही। इसलिए ता समादाय उन सभी गोपांगनाओं को लेकर जमुना के दिव्य पुलिन में भगवान पधारे। जमुना पुलिन, पहले भी जमुना पुलिन में ही गोपांगना एकत्रित होकर भगवत स्तुति कर रही थी, पर मालूम पड़ता है पहले किसी ऐसे स्थल में एकत्रित थी जहां कोई उद्दीपन सामग्री न हो, उद्दीपन सामग्री से उनको अधिकाधिक क्षोभ होता था, इसलिए शीतल मंद सुगंध पवन भी न हो, और इसी प्रकार कमलनी के लोकोत्तर विकास भी न हो, और
लताओं का वृक्षों का संयोग भी ना हो, और इसी तरह से कुंद मंदार मालती मल्लिका आदि दिव्य पुष्पों का जहाँ सुंदर विकास भी ना हो, माने जहाँ उद्दीपन सामग्री कुछ भी ना हो, ऐसे स्थान में निर्जन नीरव और शून्य स्थान में जाकर जहाँ और कुछ नहीं स्मृति हो, केवल भगवान का ही चिंतन करें, इस दृष्टि से एकत्रित होकर के भगवान की स्तुति करने लगी। इसीलिए कोई दूसरे ढंग का गीत थोड़ो ना है, वो तो इनका रोना था, रोना ही गाना बन गया, रोना ही गाना बन गया। जो कुछ रोने लग गई उसी में अनेक प्रकार के ताल स्वर मूर्छना आदि सब उनका साथ देने लग गए, और सरस्वती उनके मुखारविंद से महत्वपूर्ण शब्द ब्रह्म के रूप में प्रकट होने लग गई। यही उनका गोपी गीत है। तो परंतु ये अवश्य है कि ऐसे स्थान में पहुंच गई कि जहां वो कोई उद्दीपन सामग्री न। अब जब फिर भगवान का प्राकट्य हुआ, साक्षात मनमथ मनमथ श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कृष्ण भगवान प्रकट हुए, फिर उन गोपांगनाओं को ऐसे स्थान में ले गए, ऐसे दिव्य जमुना पुलिन में, जहां संपूर्ण उद्दीपन सामग्रियां पूर्ण रूप से प्रकट है। तो उनको उस जमुना का जो पुलिन है उसमें भगवान सब गोपांगनाओं को ले गए। जो जमुना का पुलिन ऐसा है, विकसत कुंद मंदार, जिसमें नाना प्रकार के कुंद मंदार आदि उपलक्षित, कुंद मंदार आदि उपलक्षित नाना प्रकार के पुष्प विकसित हो रहे हैं। विकसत कुंद मंदार से मतलब यह है कि उसी समय भगवल लीला प्रारंभ पूर्वक क्षणावच्छेदेन, भगवल लीला का प्रारंभ होना है उसी के पूर्वक क्षणावच्छेदेन सभी वस्तुएं विकसित। एतावता मालूम पड़ता है कि संपूर्ण प्रकृति और प्रकृति के जितने अंग हैं सभी भगवल लीला में सहयोग देते, भगवल लीला के उपकरण ही है, भगवल लीला के उपकरण। इसलिए यहाँ जो भी वस्तु है, श्रीमद वृंदावन धाम की रासलीला में उपकरण रूप से जो जो भी वस्तु उपस्थित हुई है, वो सब योग माया के द्वारा अथवा वृंदा भगवती के द्वारा ऐश्वर्य बल से संपूर्ण वस्तुएं प्रकट हुई। इसी से ये भी कल्पना सब खत्म हो जाती है, छोटे से प्रदेश में 100 करोड़ और गोपांगना कहां से आ गई। कोई वही मनमानी कुछ बोल देने की बात होती है, पुराणों की ऊंची ऊंची बातें हांक देना गप, ऐसा लोग समझते हैं, पर ऐसा नहीं, क्योंकि अव्वल तो ये सभी उपासना की चीजें हैं, उपासना की वस्तुएं हैं, ऐतिहासिक वस्तु बाह्य रूप में रही हो न रही हो इससे कुछ मतलब नहीं, उपासना की वस्तु। उपासना की वस्तु तो जो जानते हैं उपासना के सिद्धांत को, वो जानते हैं कि इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों के मध्य में ब्रह्म नाड़ी, और ब्रह्म नाड़ी के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी, इड़ा पिंगला और बीच में सुषुम्ना, सुषुम्ना के बीच में ब्रह्म नाड़ी, तो सुषुम्ना के बीच में ब्रह्म नाड़ी, उस ब्रह्म नाड़ी के भीतर सूक्ष्म कुंडलनी शक्ति, और सूक्ष्म कुंडलनी शक्ति के तेज में ही, कुंडलनी शक्ति के तेज में ही सब भावनाएं होती, ध्यान जो कुछ भी है, अकुल सहस्रार विशुभ षटदल कमल चतुर्दल कमल और षटदल कमल, दस दल कमल, द्वादश दल कमल, षोड़श दल कमल,
दुदल सहस्रार ये जो कुछ भी है बोलो कितने सूक्ष्म चीज है। माने विषतंतु जो है कमल कमल के कमल का जो नाल होता है कमल नाल डंडी कमल नाल कमल नाल में जो सूक्ष्म सफेद तागे निकलते हैं कमल नाल में जो सूक्ष्म सफेद तागे निकलते हैं उनको कहते हैं विषतंतु। विषतंतु तो उसको कहते वो तो विषतंतु तनीयसी विषतंतु से भी अधिक तनीयसी है अति सूक्ष्म है कुंडलनी शक्ति। तो सुषुम्ना नाड़ी ही विषतंतु तनीयसी है फिर उससे भी सूक्ष्म ब्रह्म नाड़ी फिर उससे भी सूक्ष्म कुंडलनी शक्ति फिर उस कुंडलनी शक्ति के तेज में कुंडलनी शक्ति का जो तेज है उसके तेज को ही बतलाया वो कहते विभसोदुजुत भासुत प्रकाशम 10,000 सूर्य नारायण के समान प्रकाश वाली 10,000 सूर्य नारायण के तुल्य प्रकाश। इसीलिए पराशत पराशत सुधा मयूख रूपाम माने कहते शतशत चंद्र देव के तुल्य अत्यंत शीतल और कहते विद्युत पुंज पिंजराम अनंत अनंत विद्युत पुंज के तुल्य पिंजर पिंजर वर्ण की। तो ऐसी सूक्ष्मता वर्णन है किस सूक्ष्म वस्तु है जो विषतंतु से भी अति सूक्ष्म है उसका इतना दिव्य रूप है और उसी के भीतर इतने कमल हैं उन कमलों में फिर कितना बड़ा ध्यान है। अब आप समझ लीजिए कि ब्रह्मरंध्र में ही उसी तेज में कुंडलनी के तेज में ही ब्रह्मरंध्र है और उस ब्रह्मरंध्र में ही वो कहते सुधा समुद्र है ब्रह्मरंध्र में ही सुधा समुद्र है सुधा समुद्र के मध्य में मणिद्वीप है मणिद्वीप के मध्य में अनेक उपवन है अनेक उपवन है मंदार वन कल्प वाटिका आदि आदि बहुत विस्तृत वर्णन है और उसके मध्य में चिंतामणिमय मंदिर है और उसके मध्य में मणिमय सिंहासन है और उसमें फिर भगवत भगवत स्वरूप का सपरिकर भगवत स्वरूप का प्रादुर्भाव। तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या शंकाएं छोटी मोटी इन शंकाओं को कुछ स्थान नहीं। भावराज्य का विश्लेषण करने पर भावराज्य का विचार करने पर अति स्थूल दृष्टि से देखें तो भी स्वप्न कहाँ दर्शन होता है आप नाड़ियों के भीतर नाड़ियां कितनी सूक्ष्म हैं उन सूक्ष्म नाड़ियों के मध्य में ही आपको चंद्रमंडल का दर्शन सूर्य मंडल का दर्शन भूधर सागर का दर्शन अनंत आकाश का दर्शन ये सब कहाँ दर्शन हो रहा नाड़ियों के भीतर नाड़ियां कितनी सूक्ष्म स्वप्न में स्वप्न की कहानी बतला रहे। तो जैसे स्वप्न में सूक्ष्म नाड़ियों के भीतर अपरिगणित आकाशादी प्रपंच का दर्शन होता है ये सब संगत है। तो फिर वृंदावन धाम में शतकोटि प्रविस्तर गोपांगनाओं का अस्तित्व कौन सा असंभावित तत्व है ऐसी कोई बात असंभावित तत्व नहीं। जबकि ये तर्क सिद्ध बात है अति स्वल्प काल में महान काल का भान होता है। किसी के पेट में शूल हो गया हो जिसको रात्रि खुर्राटे में जाते ही नहीं पता लगती कितने मिनट में रात्रि गई और कहीं पेट में शूल हो गया हो तो एक एक सेकंड का बीतना कितना कठिन लगता है। जो ऐसे बढ़िया सौकण लोग हैं सोने वाले उनको पता ही नहीं लगता कब रात बीत गई एकदम और उनको जहां पेट में शूल हो गया फिर सेकंड सेकंड बीतना मिनट मिनट बीतना है भाई देखो अब घड़ी में कितना है क्या है कैसा है अरे भाई अरे अभी तो एक ही मजा है आए क्या होगा बजेगा। तो स्वल्प काल में महान काल का प्रतिभान और आनंद हो तो महान काल भी स्वल्प काल सा प्रतीत होता है। भगवान कृष्णचंद्र ही गोपांगनाओं के संग रास विलास करते करते बोले तास तास छपा पृष्ठ तमेन नीता मयैव वृंदावन गोचरेण क्षणार्धवत्ता पुनरंग में निरे हीनामया कल्प समाबुभुवुः
हीना मया कल्प समा बभूवु। प्राणनाथ ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन श्याम सुंदर के साथ ब्राह्मी रात्रियां एक एक प्रहर चतुष्टयवती रात्रि में अनंत अनंत कोटि ब्राह्मी रात्रियां सन्निविष्ट हुई। तो ब्राह्मी रात्रियों के सन्निवेश से विशिष्ट प्रहर चतुष्टयवती कितनी ही रात्रियां बीत गईं। तो कहते क्षणार्धवत्ता पुनरंग में निरे, क्षणार्ध तुल्य समझा, आधा क्षण बीता। इतनी बड़ी ब्राह्मी रात्रियां बीत गईं और गोपांगनाओं ने क्षण आधा क्षण बीता, अरे हो गया, अरे अभी तो आए रे, अभी तो क्षणार्धवत्ता। लेकिन भगवान से रहित हो गई तो फिर कहते हो फिर तो वही कल्प समाबभू, कल्प के तुल्य, एक एक क्षण आधा आधा क्षण कल्प के तुल्य उनको व्यतीत होने लगा। इस तरह से महाकाल में स्वल्प काल का प्रतिभान होने लगता है, स्वल्प काल में महाकाल का प्रतिभान होने लगता है, इसी तरह से अल्प देश में महान देश का भान होने लगता है, महान देश में अल्प देश का भान होने लगता है। ये सब संकल्पों का महत्व। और योगियों और तार्किकों और मनोविज्ञान के पंडितों की दृष्टि से सिद्ध है कि संकल्प की पूर्व कोटि भूल जाने पर संकल्प सिद्धि होती। संकल्प करने लगे तो आमतौर पर लोगों का होता है कि ये हम संकल्प कर रहे हैं, इतने देर हुआ संकल्प करते करते, ये कल्पना बनी। ये कल्पना जहां तक बनी रहती है तहां तक संकल्प सिद्ध नहीं। संकल्प सिद्धि का नमूना यही है, जो ध्यान करने लगो, ध्यान करते करते ये भूल जाओ कि हम ध्यान कर रहे हो, कब से ध्यान कर रहे हैं, ये भूल जाओ। संकल्प धारा की पूर्व कोटि विस्मृत होने पर ही संकल्पित पदार्थ प्रत्यक्ष सामने आ जाते। यही अनेक उदाहरणों से तंत्रों में, आगमों में, पुराणों में ऐसे अनेक प्रकार के उदाहरण हैं, जिससे यही स्पष्ट सिद्ध है कि संकल्प की पूर्व कोटि विस्मृत होने पर संकल्पित पदार्थ यथा तथ्येन सामने स्पष्ट रूप से आ जाते हैं। इस दृष्टि से जहां योगियों की बात है ये, तहां फिर योग माया मुपासरतः, यहां तो भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपासरतः। योग माया का उपासरण करके तो रास लीला का प्रारंभ ही किया। योग माया का अर्थ ही है अघटित घटना पटीयसी, जो चीज असंभव हो उसी असंभव को संभव करके दिखाना, यही योग माया का चमत्कार। असंभव को संभव करके दिखाना यही योग माया का चमत्कार। वृंदा शक्ति भी परम ऐश्वर्यशालिनी योग माया शक्ति भगवत लीलोपकरण संपादन में जो प्रतिक्षण प्रस्तुत, और भगवान स्वयं सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अनंत ऐश्वर्य पूर्ण है ही। राशेश्वरी नित्य कुंजेश्वरी राधा रानी ऐसी हैं कि संपूर्ण माया और अविद्या और नाना प्रकार की शक्तियां मूर्तमती होकर उनके पाद पंकज की आराधना में निरंतर संलग्न रहती हैं। तो वो राधा रानी वृषभानु नंदिनी का जहाँ संन्निधान है, श्री कृष्णचंद्र परमानंद कन्न का जहाँ संन्निधान है, योग माया जहाँ प्रत्यक्ष रूप में भगवान की सेवा में सोपकरण उपस्थित है, और अनंत ब्रह्मांड की ऐश्वर्याधिष्ठात्री महालक्ष्मी भगवती जहाँ सेवा के लिए अवसर जो होती हुई निहार रही है, तो वहाँ फिर ये सब एक धाम में और शतकोटि प्रविस्तर गोपांगना आई, ये असंभव क्या। और ये असंभव तो संभव क्या है, कौन कौन बात संभव मानोगे। इसमें ये भी तो है कि जितनी गोपांगना थी उतने ही कृष्ण हो गए, इसको कैसे संभव करोगे। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम 100 करोड़ गोपांगना न कहें, 10 ठो कह दें, 15 ठो कह दें, चलो ठीक है, तो भी ये कैसे बना लोगे कि एक कृष्ण ही 10 कृष्ण बन गया।
इसके लिए अंत में तुमको कोई न कोई ऐश्वर्य मानना पड़ेगा, जौगिक चमत्कार मानना पड़ेगा। जब इसके लिए ऐश्वर्य मानना पड़ेगा तो फिर उन बातों के लिए भी नहीं, योगस्याति भारः, योग के लिए वो कोई 100 करोड़ गोपांगनाओं की कल्पना करना कोई बड़ा भारी भार तो नहीं। जब एक कृष्ण को 10 कृष्ण बन जाने में कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है, तो अकेली राधा रानी शतकोटि प्रविस्तर गोपांगना बन जाए, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। और अकेले कृष्णचंद्र शतकोटि प्रविस्तर कृष्ण बन जाए, इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इस दृष्टि से फिर जब ये सब संभव है, तो फिर थोड़े से जमुना पुलिन में और ये सब चीजों का सांगोपांग सन्निवेश बन जाना ये भी कुछ कठिन नहीं है। वहां तो ये मान्य है कि शतकोटि प्रविस्तर गोपांगना और उनके लिए पृथक पृथक निकुंज, पृथक 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 किशलय तल्प, पृथक पृथक उनके वादित्र गीत नृत्य के उपकरण और विविध प्रकार के अंगराग, विविध प्रकार के उपभोग सामग्रियां, ये अघटित घटना पटी थी। मंगलमयी योग माया शक्ति ने सब कुछ उपस्थापित किया और वो सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। इस तरह से संपूर्ण गोपांगनाओं को भगवान लेकर के उस दिव्य जमुना पुलिन में भगवान प्रवेश किया है। वहां नाना प्रकार के कुंद और मंदार उपलक्षित नाना प्रकार के पुष्प विकसित हो रहे हैं, उनका दिव्य सुगंध चारों ओर फैल रहा है। चंद्रमा के दिव्य रश्मि समूह से रात्रि के सब दोष, दोषा के सब तम आदि, दोषा रात्रि के तम आदि सब नष्ट प्राय हो चुके हैं। एकदम दिवा जैसी स्थिति बन गई है, ऐसी प्रकाश पूर्ण दिव्य अमृतमय रश्मियों से युक्त ऐसी दिव्य रात्रि की जहां पर संपूर्ण भाव से साक्षात मनमथ उद्दीप्त हो और साक्षात मनमथ भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र ही जहां विराजमान है, तहां फिर किसी प्रकार के उपकरण की न्यूनता कैसे हो सकती है। इस तरह से विविध प्रकार के सुगंधित पुष्प, विविध प्रकार के हंस सारस कारण्डव पिक शुक आदि सुंदर पक्षी और नाना प्रकार के भ्रमर खटपद आदि, वो अपने गुंजारव से और उस स्थान को निनादित और परमाह्लादित कर रहे हैं और ऊपर से चंद्रमा के दिव्य प्रकाश से संपूर्ण भूमि जगमगा रही है और संपूर्ण देवगण भी विमानों द्वारा उस लोकोत्तर दृश्य को देखने के लिए देवांगनाओं देवकन्याओं के साथ विराजमान हैं और ब्रह्म रुद्र इंद्र आदि बड़े बड़े देवाधिदेव भी अपनी अपनी समाधि और अपने अपने दिव्य लोक धामों को छोड़ करके इस लोकोत्तर रास लीला को अनुभव करने के लिए सब आए हुए हैं। और उस समय भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र सब गोपांगनाओं के साथ वहां पधारे हैं। फिर उस समय सब गोपांगनाओं ने अपने उत्तरीय ओढ़नी जो उनकी थी उसी सबको उतार उतार करके उसी की एक दिव्य शैया बनाई। विकसत कुंद मंदार सुरभ्य नील खटपदम शरत चंद्रांशु संदोह ध्वस्त दोषा तम शिवम। कहते शरत चंद्रांशु के संदोह से दोषा रात्रि का जो तम है सब नष्ट हो गया है, परम प्रकाश प्राप्त हुआ है, परम कल्याणमय शिवमय। कृष्णाया हस्त तरला चित कोमल बालुकम। उधर कृष्णा भगवती जमुना जो कि कृष्ण की सखी और स्वयं कृष्ण रूपा कालिंदी वही तो है ना, कालिंदी नाम की एक 8 पटरानियों में एक पटरानी, वो कालिंदी वही कृष्णा, उसने अपने हस्त तरल तरंगों से अपने तरल तरंग रूप हस्तों के द्वारा भूमि को अपने पुलिन को मार्जित कर रखा है। माने किसी प्रकार की उसमें
ऊंचाई नहीं, निचाई नहीं, कठोरता नहीं, ऐसी भूमि कि भगवान के कमल से कोट गुणित कोमल चरणारविंद जहां विराजमान हो सके, राधा रानी वृषभानु नंदिनी के परम कोमल चरणारविंद जहां विराजमान हो सके, विभिन्न गोपांगनाओं के अत्यंत सुकुमार सुंदर चरणारविंद जहां सुखेन विहरण कर सके, नृत्यादि में किसी प्रकार का जिससे कष्ट न हो, इस प्रकार समभूमि समतल भूमि बनाया। किसे बनाया? अपने तरल तरंगों से, वही उसका हस्त है। तो कृष्णा जो कालिंदी जमुना, कालिंदी कलिंद नाम का कुल पर्वत है, कुल पर्वत जैसे कई है कुल पर्वत, सप्त कुल पर्वत, उनमें से एक कलिंद नाम का कुल पर्वत है जिसका अर्थ है कलिम द्यति खंडयती कलिंदः, जो कली को कलह को दूर करने वाला है, कली को समूल नष्ट करने वाला। एतावता उस कलिंद की पुत्री कालिंदी, कलिंद कुल पर्वत की पुत्री कालिंदी, उस कालिंदी का ये प्रभाव है कि उसके पुलिन में ये शतकोटि प्रविस्तर गोपांगना बैर भाव छोड़ करके, परस्पर के मतभेदों को भुला करके और भगवान श्री कृष्ण की रासलीला में सम्मिलित हो सकी। ये कलिंद नंदिनी भगवती जमुना का ये प्रभाव है जिससे सबके पारस्परिक वैमनस्य, पारस्परिक वैमत्य, जो कि दाक्षिण भाव होती, बाम्य भाव होती गोपांगनाओं में होते थे स्वाभाविक, और वो रस रूप में मान्य है, ईर्ष्या आदि सब यहाँ पुण्य के रूप में मान्य है, बड़ी आदरणीय है, इसलिए भक्त रसामृत सिंधु के तरंगों में ईर्ष्या आदि भी उन्हीं तरंगों में ही मान्य है। तो ये सब का प्रभाव कि इतना भिन्न भिन्न भाववती होते हुए भी जो उस जमुना पुलिन में सब लोग सम्मिलित होकर के अविरोधेन श्री कृष्ण रासलीला में सहयोगिनी बन सकी, ये कहते कलिंद नंदिनी जमुना का अद्भुत प्रभाव। उसके अपने हस्त रूपी तरल तरंगों के द्वारा वो बालू इस रूप में बिछाई गई है कि कहीं भी कठोर अंश नहीं दिखाई दे, ऊंचा नीचा भाव कहीं नहीं हो और कोई कठोर वस्तु सामने ना आए, इस प्रकार की बड़ी सुंदर दिव्य भूमिका बनाई है। तद्दर्शनाह्लाद विधूत हृद्रजो मनोरथान्तं श्रुतयो यथा जजुः स्वैरुत्तरीय कुच कुंकुमांकितैरची कृपन्नासनमात्मबन्धवे। तद्दर्शनाह्लाद विधूत हृद्रजः, श्री भगवान कृष्ण के दर्शन से सभी गोपांगनाओं के हृदय का जो संताप था, हृदय का जो रोग था माने हृद्रोग कामादि कन्दर्पादि, वो सब विधूत हृद्रजः, वो तो भगवान के दर्शन से ही सब कुछ समूलोन्मूलन हो गया। कोई भी समझदार पुरुष, कोई भी अभ्यासी, कोई भी साधक, कोई भी योगिंद मुनिंद कामादि दोषों को विनष्ट करने के लिए क्या करता है? भगवान के चरणारविंद का ध्यान करता है, भगवान के मुखचंद्र का ध्यान करता है, भगवान की नखमण चंद्रिका का चिंतन करता है, भगवान के दामिनी दूत विनंदक पीताम्बर का चिंतन करता है। भगवत चिंतन करने से ही तत्क्षण कामादि दोष नष्ट होते। अनुभव करके देखो, हाथ कंगन को आरती किया, भगवान के चरणारविंद का चिंतन करते हुए तत्क्षण दोष समाप्त होते हैं। जिन दोषों का आक्रमण हुआ हो, जिन दोषों का हमला हुआ हो, उन दोषों के निराकरण करने के लिए श्री भगवान का ध्यान करो, भगवान के मुख चंद्र का ध्यान करो, भगवान की पादारविंद की नखमण चंद्रिका का चिंतन करो, अवश्य ही संपूर्ण दोष दूर होते। तो कहते तद्दर्शनाह्लाद विधूत हृद्रुजः, श्री भगवान के दर्शन से आविर्भूत होने वाला जो लोकोत्तर आह्लाद परम सुख, उस परम सुख के द्वारा ही विधूत हो गए, प्रकंपित हो गए, हृद्रूपी हृदगत जो रुख है माने काम या कंदर्प या किसी प्रकार का विकार, हृदय का विकार, वो सब खत्म।
भगवत दर्शन से ही सब आप्त काम पूर्ण काम आत्माराम परम निष्काम हो गई। तो मनोरथांतं श्रुतयो यथा जजुहु, मनोरथांतं श्रुतयो यथा जजुहु, जैसे कहते श्रुतियां मनोरथ के अंत, मनोरथ का अंत होता है जहां मन रूपी रथ की गति जहां समाप्त हो जाती है, या मनोरथ विभिन्न कामनाओं की जहां समाप्ति हो जाती है। सर्वे कामा जम प्रभिषंद सर्वे, सब काम जिसमें समाप्त होकर अंतर निलीन हो जाते हैं। सशांति मापनोत न काम कामी, सशांति मापनोत न काम कामी। तो जैसे श्रुतियां मौन होकर नेत नेत वचनों के द्वारा, अतद व्यावर्तन के द्वारा ऐसे ऐसे परम तत्व में प्रज्वलित होती हैं। मन रूपी रथ की गति जहां समाप्त हो जाती है, विभिन्न कामनाओं का जहां अंत हो जाता है, ऐसे परात्पर परम ब्रह्म तत्व में जैसे श्रुतियां प्रज्वलित होती हैं, इसी प्रकार से ये गोपांगना श्री भगवान का दर्शन करके उससे उद्भूत होने वाले अनंत आह्लाद के द्वारा सब प्रकार के हृदय रोगों को खत्म कर, और स्वयं उत्तरीय कुछ कुंकुमांकित ही अपने जो उत्तरीय वस्त्र हैं, ऊपर के ओढ़ने के वस्त्र हैं, जिनमें नाना प्रकार के स्तनों में लगने वाले कुंकुमों का अंक पड़ा हुआ है, माने जो क्या नाम कुछ कुंकुमों से अंकित वो जो दिव्य उत्तरीय अपने सुंदर सुंदर मनोहर मनोहर, आइए तो आप समझ लीजिए, जब गोपांगना एक एक गोपांगना ऐसी है कि लक्ष्मी भी जिसके श्री अंग की आभा प्रभा कांति शोभा को देखकर विलज्जित होती है, उन गोपांगनाओं के भूषण बसन अलंकार भी कोई साधारण से प्राकृत जैसे थोड़े न होंगे। जब कहते हैं कि लक्ष्मी भी अनंत ब्रह्मांड की ऐश्वर्याधिष्ठात्री भगवती महालक्ष्मी भी जिनके सौभाग्य को सिहाया करती है और इसलिए लालसा करती है कि गोपांगनाओं को जैसा सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवत पाद पंकज स्पर्श प्राप्त करने का, वैसा सौभाग्य हमको प्राप्त हो, इस आशा से बिल्लु वन में आकर तपस्या करती है वृंदावन धाम के उस पार में आकर के। तो फिर वो गोपांगना जिनके अनंत सौंदर्य माधुर्य की प्रशंसा कवींद्रों ने और भक्तों ने मुनींद्रों ने खूब वर्णन किया है, गोपाल मंत्र के ध्यान में भी जिनका वर्णन आता है, कोई योगी गोपाल मंत्र जपेगा गोपाल का ध्यान करेगा तो गोपाल के ध्यान में गोपांगना का ध्यान आ ही जाएगा, गौओं का ध्यान आ ही जाएगा। तो वो योगींद्र मुनींद्रों की ध्येय, जोगिंद्र मुनिंद्र जिनका ध्यान करते हैं ऐसी गोपांगना, उन गोपांगनाओं की जो उत्तरीय जो उनके कुछ कुंकुमों से अंकित, उन उत्तरियों से अति कृपन्नासन आत्मबंधवे आत्मबंधु जो जो कि उनके उनके आत्मस्वरूप हैं, उनके बंधु स्वरूप हैं, ऐसे भगवान कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन के लिए उसी से उन्होंने अपने अपने कुछ कुंकुमांकित उत्तरियों से ही आसन बनाया और भगवान उसी पर विराजमान हुए। तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरः जोगेश्वरांतर हृदय कल्पितासनः, तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरः, उसी उसी आसन पर वो भगवान और ईश्वर, माने खास की पशुओं को मूर्खों को अनभिज्ञों को लौकिक बुद्धि न उत्पन्न हो, भगवान कौन है, भगवान है षडविद भग ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणं भग इतिंगना, संपूर्ण षडभग समग्र ज्ञान समग्र वैराग्य समग्र ऐश्वर्य समग्र यश समग्र त्रि सांगोपांग अखंड अनंत रूप में जिसमें विराजमान है वो भगवान। भगवान कोई और भी होता होगा भगवान की आराधना करके बोले ईश्वरः स ईश्वरः, वो साक्षात ईश्वर सर्वेश
अलग कुछ कुंकुमन स्त्रियों द्वारा निर्मित आसन पर वो बैठे भगवान। कौन भगवान? अरे कहने लगे जोगेश्वरांतर हृदय कल्पित आसन, जोगेश्वरों के, जोगियों नहीं जोगेश्वर, जोगों के जो ईश्वर है भगवान, भगवान हनुमान, भगवान सनकादि सुकादि, भगवान भूत भावन विश्वनाथ, ये सब इनके हृदय में अपने हृदय पंकज को जिन्होंने भगवान का आसन बना, वहां आवाहन करते हैं प्रभु आए। तुम भाव जोग परिभावित सरोजे आज से सुरते क्षित पथो नन्नाथ पुंसा। भाव योग से हर सरोज को परिमार्जित परिष्कृत करते हैं। भाव योग द्वारा परिष्कृत भक्तों के हर सरोज में भगवान का प्राकट्य होता है। तो इस तरह से योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासन चकास गोपी परिषद गतोर्चित। गोपियों की परिषद में है? लोग भिन्न भिन्न परिषद में विराजमान होते हैं, विद्वानों के परिषद में, संतों के परिषद में। ये ईश्वर और भगवान और परात्पर पर ब्रह्म प्रभु गोपियों के परिषद में, गोपियों की जो परिषद है उस परिषद में जो है सो विराजमान हो। परिषद गतोर्चित त्रैलोक के लक्ष्मी के पदम बपुर दधत। ऐसा भगवान का श्री अंग है, श्री बपु है कि त्रैलोक के लक्ष्मी के पदम, त्रैलोक्य की जो लक्ष्मी है शोभा आभा प्रभा कांति। त्रैलोक के माने भूर्भुव स्व नहीं, त्रैलोक के माने आध्यात्मिक आधिदैविक आदि भौतिक, अनंत कोट ब्रह्मांडात्मक प्रपंच में जो आधिदैविक आदि भौतिक आधिदैविक, ये त्रैलोक्य की जो लक्ष्मी है उसका एकमात्र आस्पद, त्रैलोक्य लक्ष्मी का एकमात्र आस्पद माने त्रैलोक लक्ष्मी वही संपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। अन्यत्र तो सर्वत्र उसी का एक कण, जैसे अन्य अनुभूतानी मात्राम उपजीवंती, भगवान के अनंत आनंद के एक कण को ही अन्य अनुभूत प्राप्त करते हैं, तैसे समूर्त्यालोक लावण निर्मुक्त्यालोचन नृणांगीर भिस्ता समर्ता नित्यम इत्यादि वचनों से कहा गया है कि लावण्य अमृत सुधा सिंधु जो भगवान का श्री अंग है उसके एक बिंदु से अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत अनंत प्राणी लावण्य समन्वित होते। सौंदर्यामृत सिंधु जो भगवान का श्री अंग है उसी के एक कण से अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत अनंत प्राणी सौंदर्य समन्वित होते। इसी तरह से माधुर्यामृत सिंधु जो भगवान का श्री अंग है उसी के एक कण से अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत प्राणी माधुर्य समन्वित होते हैं। तो इसलिए त्रैलोक लक्ष्मी का पदम बपुर दधत। सभा जयित्वा तमनंग दीपनम सहास लीले क्षण विभ्रमत भ्रुव संस्पर्शने नांक कृतां गृहस्थयो संस्तुते ईषत् कृपिता बभाव श्री। भगवान को, भगवान का बड़ा आदर किया। तमनंग दीपनम, अनंग को भी प्रकाशित करने वाले, अनंग को भी प्रकाश देने वाले, या अनंग का दीपन उद्दीपन करने वाले, अनंग को प्रकाश देने वाले, ये तो श्याम श्यामांग सांग श्यामांग है ना, सांग श्यामांग के द्वारा अनंग को भी प्रकाश मिलता है। तो ऐसे भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र का बड़ा सम्मान करके उनके पादारविंद को अपने हाथों में ले, अपने अंक में ले करके, उनमें जो प्रधान प्रधान गोपांगना थी, भगवान के पादारविंद को अपने अंक में ले लिया और स्पर्श करती हुई, थोड़ा सा कुपित होती हुई, जरा सा नाराज होती हुई, अब तक आप इस तरह से बिछड़े रहे, विप्रलंभ से हम लोगों को संतप्त किया, और फिर भगवान से उन्होंने पूछा, अपना प्रश्नोत्तर हुआ, प्रश्नोत्तर हुआ। अब प्रश्नोत्तर होने दो, यही भावी रास लीला होगी, अब फिर कभी सुनाएंगे, आज ही यहाँ की कथा समाप्त है। श्री राम जय जय राम।